हाय गाइस, दिस इज चीन एंड यू वाचिंग एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइस, पिछली वीडियो मैंने 44 पे जो हमारे क्वेश्चन आंसर थे उन पे बनाई थी। जो जो मेरे पास क्वेश्चन आए थे उनमें से एक क्वेश्चन था कि भाई हम 44 के अंदर 35 वोल्ट का कैपेसिटर होता वो यूज कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने उसका आंसर नहीं में दिया था, क्योंकि मैंने अपने बोर्ड पे यूज करके देखा था 35 वोल्ट का कैपेसिटर होता जो, वो तो मेरा बोर्ड जल गया था। लेकिन वो कैपेसिटर की वजह से नहीं जला था, और मुझे कमेंट भी मिले थे दो। एक मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। एक बंदा था कासिफ नाम था जिनका, और एक बंदा था जिसका नाम दीपक था। तो इन दो बंदों ने मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि भाई नहीं, हम यूज़ कर रहे हैं 35 वोल्ट का कैपेसिटर तो हमारा बोर्ड तो नहीं जला। तो मैं फिर से आईसी ले गया और मैंने उनको चेंज करके 35 वोल्ट का कैपेसिटर डाला उसके अंदर। तो फिर चेक किया मैंने उसको, तो बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी मिली मेरे को। मैं पहले 25 वोल्ट का यूज़ कर रहा था 4700 mFD के अंदर, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही थी मुझे साउंड की। लेकिन 35 वोल्ट का मैंने डाला 2200 mFD के अंदर, तो बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी आई इसकी। और जो साउंड क्वालिटी मैं आपको चेक करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में मैं नहीं करवाना चाहूँगा। और जो क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो थी उसमें बस यही प्रॉब्लम थी कि मैंने 35 वोल्ट की गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी, तो उस वीडियो को मैंने हटा दिया यूट्यूब से। तो लगता मुझे दोबारा से वीडियो बनानी पड़ेगी क्वेश्चन आंसर की। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर की दोबारा से वीडियो बने तो मैं फिर से उस वीडियो को बना दूंगा, अगर नहीं चाहते तो मैं रहने दूंगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट जरूर करें, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।